नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक का आगे का टायर और मडगार्ड रिमूव या रिप्लेस करना है वो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आपको एक 24mm सॉकेट लेना है और टायर के एक्सल का जो नट रहता है वो आपको ऐसे निकालना है। ये बहुत ही टाइट रहेगा तो इसको लूज करने के लिए एक लंबे पाइप का इस्तेमाल करें ताकि ये आसानी से लूज हो जाए। अभी ये कभी कभी दोनों साइड में घूमता है। अगर दोनों साइड में घूम रहा है तो दूसरे साइड में पाना लगा के रखेगा ताकि ये ठीक से लूज हो जाए। अभी एक साइड में पाने को पकड़ के रह के दूसरे साइड में ऐसे आराम से अभी आप लूज कर सकते हो। तो ये निकल गया मेरा पूरा नट बाहर। तो अब आपको एक 12mm सॉकेट लेना है और इस मडगार्ड को इस साइड में चार बोल्ट रहेंगे। इसमें से तीन बोल्ट आपको पूरे बाहर निकालने हैं और एक बोल्ट उधर ही छोड़ना है। तो इधर मेरा ये वाला बोल्ट जो है वो मैं लगा के रखूंगा ताकि टायर निकालते वक्त ये मडगार्ड गिर ना जाए, लेकिन इसको लूज करके रखिएगा। तो ये सब चीज़ें एक साइड में करने के बाद आपको आना है दूसरे साइड में। और दूसरे साइड में आने के बाद ये साइड भी आपको चार बोल्ट दिखाई देंगे। ये भी तीन बोल्ट आपको निकालने हैं और एक बोल्ट उधर ही छोड़ना है लूज करके। तो ये सब करने के बाद आपका मडगार्ड ऐसा ही लेगा, इसको ऐसा ही छोड़िए। अभी अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है स्पीडोमीटर केबल का कनेक्शन छोड़ना है। स्पीडोमीटर केबल का कनेक्शन छोड़ने के लिए इधर आप देख सकते हैं, ये हाथ से ही ऐसे घुमाया तो लूज हो जाएगा। तो एक केबल नट रिंग को इसे घुमा घुमा के पूरा अलग कीजिए। फिर आपको एक हथौड़ा लेके एक्सल बोल्ट के ऊपर एक साइड से पटकना है। फिर आपको एक ऐसा रॉड लेके खटखटाना पड़ेगा ताकि वो एक्सल दूसरे साइड से पूरा बाहर निकले। अभी इधर अगर आप आओगे तो इधर आप देख सकते हैं है स्पेसर। ये स्पेसर जब आप वापस बिठाते हो तब कहाँ डालना है वो याद रखेगा। फिर आपको आपका एक्सल बोल्ट खींच के ऐसे पूरा बाहर निकालना है। और ये निकल गया मेरा एक्सल बोल्ट बाहर। अब ये बोल्ट बाहर निकलने के बाद अब आपको ध्यान से आपका स्पीडोमीटर हब ड्राइव जो है वो बाहर निकालना है। ये है मेरा स्पीडोमीटर हब ड्राइव। अब इसके अंदर भी एक स्पेसर रहता है, ये रहा वो स्पेसर। ये वापस डालते समय कहाँ डालना है वो जरूर याद रखेगा। इसको आप साइड में रखिए। और अब आपको आपकी रॉयल एनफील्ड जो है वो थोड़ी ऊपर खींच के रखनी है और टायर को ऐसे नीचे से बाहर स्लाइड करना है। तो ये हो गया मेरा टायर पूरा बाइक से अलग। अभी टायर बाइक से अलग करने के बाद आपको मडगार्ड के ऊपर ब्रेक फ्लूइड का पाइप जो है वो लूप से ऐसे बाहर निकाल के मडगार्ड से अलग करना है। और ये पाइप मडगार्ड से अलग करने के बाद जो भी बोल्ट आपने लूज करके रखे थे वो बोल्ट आपको पूरे अभी बाहर निकालने हैं। वो दोनों बोल्ट बाहर निकालने के बाद आपका मडगार्ड ऐसे टर्न कीजिए। ध्यान दीजिए ये स्क्रैच नहीं होना चाहिए। और शॉक एब्जॉर्बर के नीचे से ऐसे स्लाइड करके इसको आपको बाइक से पूरा अलग करना है। तो ये अलग हो गया मेरा फ्रंट मडगार्ड बाइक से पूरा अलग। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे कोई भी आपको मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए दिस इज राइसन फर्नांडिस साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।